नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के तमाम 30 जिलों से युवाओं ने एक आंदोलन किया है। विशेष तौर पर जो वामपंथी दल से जुड़े हुए यूथ विंग है, उन्होंने आंदोलन किया और यह आंदोलन अब पटना में पहुंच चुका है। अलग अलग इनकी मांगे हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। और तमाम राजनीतिक दलों को इसमें प्रस्ताव भेजा गया था, कांग्रेस भी शामिल हुई है। और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो बोर्ड के चेयरमैन हैं आनंद माधव जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या मांगे की गई और क्या कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में अगर उनकी सत्ता वापसी होती है तो उन मांगों को पूरा करेगी। आनंद माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या मांगे रखी गई है इन आंदोलनकारियों की तरफ से और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से शासन है? मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्य मांगे इनकी हैं वो शिक्षा संबंधित हैं और बेरोजगारी संबंधित है। फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो मांगे हैं वो मुख्य रूप से इनकी मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है यह प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर चुकी है। पूरे देश में लगभग 150 जन संवाद हम लोगों ने आयोजित किया और वहाँ अलग अलग समूहों के साथ हम लोगों ने बातचीत की, युवाओं के साथ बात की, महिलाओं के साथ बात की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात की, अलग जो एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन हैं उनके साथ बातचीत हुई है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ बातचीत। हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर में ये चाहते क्या है और किस तरह से एक सुखद समाज की स्थापना करना चाहते हैं और उसमें से जो मुख्य चीज़ें हैं वो निकल के आई उसको हम लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। जब मैं इनकी मांगों को देख रहा था इसमें से अधिकांश चीज़ें जो है वो हमारे घोषणा पत्र में ऑलरेडी हैं। घोषणा पत्र अब आप चूँकि चुनाव घोषित की घोषणा आज हो जाएगी उस पर हमारा वो भी घोषणा घोषित होगा तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो कि इनकी मांगे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक युवा की बात है तो आपको मैं स्पष्ट बता दूँ कि युवा युवा है, वो ना बाएँ हैं ना दाहिने हैं ना सीधे, क्योंकि उसकी अपनी कम्युनिटी है, उसका एक समुदाय है, उसका एक अपना भविष्य है और उनके भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, खास करके हमारे राहुल जी, इस बात के लिए चिंतित हैं कैसे देश के युवाओं को संगठित किया जाए और उनको एक दिशा दी जाए। जी, आप वामपंथी, आपने बोला कि युवा ना बाएं हैं ना दाएं हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का आपने जिक्र किया, लेकिन जब बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी को सीट देने की बात आती है, राजनीतिक पॉलिटिकल सीट शेयरिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। फैसला हो गया क्या? नहीं, फैसला जो हमारे पास जो सूत्रों से खबर है, आपके पास सूत्रों से खबर है, को भी सीट देने को तैयार नहीं। आप इंतजार करें, जब आएगा सामने में फैसला फिर इस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए दो खबर देना आपकी कन्हैया, मतलब वामपंथी दल है महागठबंधन में बिहार में, महागठबंधन में निश्चित रूप से बातचीत चल रही है और ये जो डिसीजंस होंगे ये आप जानते हैं कि ये डिसीजंस स्थानीय स्तर पे नहीं हो रहे हैं, ये सारे निर्णय जो है ऊपर के स्तर पे हो रहे हैं और उसमें जो हम लोगों का विचार था वो हम लोगों ने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। अब निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, उसके बाद फिर जो हमारे और जो हमारे बड़े नेतागण हैं वो लोग मिलके राहुल जी के साथ मिलके बैठ के ये बातचीत कर रही है और एक दो दिन में आपको पूरी सूचना मिल जाएगी और जब मिलेगी तो वो समाचार होगा। प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है, आप जानते हैं कि कभी कुछ आगे होता है कभी कुछ पीछे होता है, लेकिन अंत क्या होता है? अंत होता है रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा। स्पेकुलेशन बहुत होता है तो कुछ भी होता है। वो हमारा आकलन नहीं है। वामपंथी दलों ने 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी किया जिसमें कन्हैया कुमार का नाम नहीं था, लेकिन चूंकि वो स्टार प्रचारक है वामपंथी संगठनों के, संयुक्त कैंडिडेट भी माने जाते हैं और खबर थी कि बेगूसराय से चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन पहले 15 जो लिस्ट जारी हुई है वामपंथी दलों की उसमें से 15 कैंडिडेट में उनका नाम नहीं है। तो खबर ये थी कि आप लोग हैं महागठबंधन में उनको ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे, आप मायावती को तवज्जो दे रहे हैं लेकिन कन्हैया कुमार जैसे प्रत्याशी को नहीं दे रहे हैं तवज्जो, देखिए इसलिए मेरा ये सवाल है। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। अभी हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि आज के समय में पूरे देश में जो एक वातावरण बन गया है उस वातावरण के खिलाफ कैसे एक जनसमूह को तैयार किया जाए और उसको चुनाव में फिर सामने मिलाया जाए। वहाँ कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता, चाहे कोई भी। और जहाँ तक ये है कन्हैया कुमार एक पर्टिकुलर पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से उनके जो वरिष्ठ हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और ऊपर के स्तर पे बातचीत हो रही, क्या होगा निर्णय वो उनके हाथ में, वो निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। देखिए आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, मैनिफेस्टो बोर्ड के चेयरमैन हैं आप, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय हो जाएगा? क्योंकि सीट शेयरिंग है मैनिफेस्टो कमेटी दोनों दो चीज है। मैनिफेस्टो कमेटी में हम लोग जो जनता की जो मांग है, राहुल गांधी के करीबी है, मैं बता दूं आपको जनता की जो मांग है उन मांगों को समेकित रूप से हमको प्रस्तुत करने का काम है, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा ना इस बार का वो निश्चित रूप से जन घोषणा पत्र होगा, यानी पब्लिक मैनिफेस्टो होगा और जो जनता चाहती है उसी को हम एक तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे, उसको करेंगे भी आगे, क्योंकि आपने देखा कि हमारे
जो नेता है राहुल जी, वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रचार है, मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो हमारी बातों को ढंग से लोगों के पास ले नहीं जा पा रही है। कोई बात नहीं, हमारे जो ये इस तरह से आवाज एक के बाद ये जो सैकड़ों युवा, हजारों युवा देख रहे हैं, वो आपको चीज को लेकर आगे जाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि कब तक स्पष्ट हो जाएगा महागठबंधन में खबर? हमको लग रहा है कि 12 तारीख को हमारी बैठक है महागठबंधन के, तो महागठबंधन की नहीं, हमारी बैठक है कांग्रेस कार्यकर्ता की, उस दिन 12 तारीख आई थिंक 12 को निश्चित रूप से इसकी घोषणा होगी। बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर लड़ेगी, ये भी होगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आनंद मोहन जी, माफी चाहता हूं आनंद माधव जी, जिन्होंने एक बड़ी खबर दी है कि महज 12 तारीख तक ये घोषणा हो सकती है कि कांग्रेस कितनी सीटों पे बिहार में लड़ेगी और कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगी। 12 तारीख इन्होंने डेट दिया है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।